खंडवा, मुरैना, सीधी, पन्ना, शहडोल, डिंडोरी, बैतूल, विदिशा और उज्जैन, इन 10 जगहों की माताओं से, बहनों से बात कर रहे हैं। उन लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज इस अवसर पर हमारे बीच में हैं, और मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आप सभी से संवाद करें। आपसे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। मेरी प्रिय बहनों और लाडली भांजियों, आज अंतर मातृ दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानती हैं कि माता, बहन और बेटी हमेशा से मेरे लिए आराध्य रही है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं वे, और इसलिए पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले मैंने बनाई थी। मुझे खुशी है कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, क्योंकि 2006 से यह योजना प्रारंभ हुई थी, अब उनमें से 2006 में जिन बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया, अब वो बेटियां लगभग 14-14 साल की हो गई हैं। और इस योजना में आप जानती हैं सब कि बेटी को कुल मिला के पांचवी पास करके छठवीं में जाने पर राशि दी जाती है, छठवीं पास, आठवीं पास करके नौवीं पे राशि दी जाती है, और अंततः जब वो 21 साल की हो जाती है तो 1,00,000 रुपए सहित उनको कुल मिला के 1,18,000 रुपए की राशि मिलती है। छठवीं में प्रवेश पर 2,000, नौवीं में प्रवेश लेने पर 4,000, ग्यारहवीं में प्रवेश लेने पर 6,000 और बारहवीं में प्रवेश पर 6,000, 21 वर्ष की होने पर फिर 1,00,000। अब मेरी 35,35,000 28 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। आज उनसे बात करने का, बहनों से बात करने का अवसर मिल रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। देखिए, बेटी और बेटे के बीच कोई अंतर ना रहे, हम बेटे को भी लाड़ करें लेकिन बिटिया को भी दुलारें, दोनों को बराबर माने, इसलिए बेटी बोझनी वरदान है, इस भाव से लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई थी। लेकिन अकेली लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों को आठवीं तक पढ़ाई के लिए निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, दूसरे गांव पढ़ने जाएं तो साइकिल की व्यवस्था, एक नहीं अनेकों योजनाएं। आप जानती हैं कि पढ़ाई लिखाई की भी निःशुल्क व्यवस्था, हमारी बेटियां बारहवीं में अच्छी गांव में नंबर लाएं तो गांव की बेटी ना, बिटिया की शादी की योजना, और एक योजना और संबल योजना में बनाई थी कि बेटा बेटी को जन्म दें तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की योजना। कोशिश ये है कि माँ की जिंदगी में और बेटे बेटी की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के रंग भरें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाई, ये माताओं की वंदना के लिए ही बनाई। प्रधानमंत्री जी भी सदैव माँ, बहन और बेटी के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। आज मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और अपना यह संकल्प प्रकट करते हुए
कि माँ बहन और बेटी के साथ ये प्रदेश की सरकार खड़ी है, आपका भाई खड़ा है, जन्म लेने से लेके जीवन पर्यंत तक की योजनाएं हमने माँ बहन और बेटी के लिए बनाई है। मैं फिर शुभकामनाएं देता हूँ। और आज लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि कुछ हितग्राहियों के खाते में डालने का काम हम संपन्न करेंगे। आपके माध्यम से प्रदेश भर की बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरी भांजियों को बहुत बहुत लाड़ प्यार और आशीर्वाद। अब जो हमारी विभिन्न हितग्राही हैं जो महिलाएं सुन रही हैं, सबसे चर्चा आज मुश्किल है, एक दो लोग शिवपुरी में ज्योति बहन है, शिवपुरी से ज्योति मित्रा जी हैं क्या? नमस्ते, कैसे हो ज्योति बहन? ठीक है। क्या मेरी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, सो रही है? अभी सो रही है? हाँ। उसको बता दो मामा मिलना चाहते थे। हाँ, सुबह से बैठी थी, मामा जी से बात करना है। अब अगली बार, अच्छा अगली बार करूंगा ज्योति। आज यहाँ से सिंगल क्लिक से पैसे खाते में डालने का काम करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना का। खंडवा से पूजा वर्मा बैठी है, खंडवा बोलिए। नमस्ते, कैसे हो बेटी? ठीक हो? अच्छी हो सर जी। और लाडली लक्ष्मी कैसी है हमारी? लाडली लक्ष्मी अच्छी, सो रही है। सो रही है? नहीं, अभी सो नहीं रही, जग रही है। हाँ, जगते हैं। वो याद कर रही होगी मामा को भी, इनको देने से। हाँ, मामा जी को याद कर रही हूँ। नहीं, बस मेरी शुभकामना है, बेटी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना और खूब आगे बढ़ाना। बेटा बेटी दोनों, हाँ बेटा बेटी दोनों बराबर है। कैसी योजना है लाडली लक्ष्मी? अच्छी योजना है। ठीक है, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। मुरैना से पूनम शर्मा जी हैं। कैसे हो पूनम? नमस्ते। अच्छी। अब बेटी कहाँ है हमारी लाडली लक्ष्मी? सो रही है। ये तो बेईमानी हुई। अच्छा, घर पर सो रही है। चलो, आज इसके खाते में पैसे आएंगे। आपको बधाई, शुभकामनाएं। बेलाकली साकेत जी हैं सीधी से। बेलाकली साकेत जी सीधी प्रणाम। कैसे हो बहन? अच्छी हूँ सर। बधाई हो आपको, बहुत शुक्रिया आपसे, हमको बहुत करने का अवसर मिला, मैं वो आपको सुनूं। बेटी कैसी है? अच्छी है सर, हमारे बगल में बैठी है। अच्छा अच्छा, चलो बगल में बैठी जी सर। अच्छा अच्छा, मामा जी प्रणाम। प्रणाम बेटी, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? इस साल 9th में जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है जी? हाँ बेटी, अभी तो लॉकडाउन के कारण स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है जी। और मामा तुम्हारे साथ है, कभी भी जरूरत पड़े तो जी। ठीक है बेटी, खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। बहन सुल्ताना मोहसिन पन्ना, अच्छा अब मातृ वंदना योजना की बहन से बात कर लेते हैं। खुशबू प्रजापति शहडोल से हैं। शहडोल से? नहीं जोड़ पाए।
नंदिनी नेताम जी है क्या डिंडोरी? नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? विदिशा रचना जाता नमस्ते सर, कैसे हो रचना बहन? ठीक है सर। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर आपको बधाई और थैंक यू सर। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि खाते में आएगी आज? ठीक है सर। और आप ठीक हो? हाँ सर। कहाँ है बेटा बेटी कहाँ है? सर अभी फर्स्ट बार है, मेरा भी फर्स्ट में प्रसव है। ठीक है बेटा, बैतूल से बाली गुरमाए जी। हाँ ठीक हो आप? हाँ जी। आप ध्यान रखना अपना और बेटी का भी। जी सर। ठीक है जी सर। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की आपको बधाई और योजना की राशि आपके हाँ आपके खाते में राशि आएगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। हाँ अभी कोरोना के कारण मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, ये जैसे ही खत्म होगा तब मिलने फिर आऊंगा सबसे। ठीक है, सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। ये राशि आप खाते में डालते हैं लिख लेकर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा अच्छा ठीक हो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, राशि मैंने खाते में ट्रांसफर कर दी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी कहाँ है? अच्छा, बेटी को मेरा आशीर्वाद देना और अच्छे ढंग से पढ़ाना लिखाना खूब खूब आगे बढ़ाना। जी सर, मेरा नाम सुल्ताना है। हाँ हाँ सुल्ताना। अच्छा 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 अच्छा, और मुझे लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है सर। अभी बेटी मेरी भांजी है, उसका ध्यान रखना। जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, खुश रहो बेटी, धन्यवाद। ठीक है अनुपम, अच्छा उज्जैन रह गया, एक मिनट उज्जैन से भी राम राम कर लेते। उमा सिर्फ